भोजपुरी फिल्मों में रितेश पांडे का कद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। भाई उनकी फिल्मों के साथ साथ उनके प्राइवेट एल्बम्स भी काफी हिट हो रहे हैं, दर्शकों को खूब पसंद भी आ रहे हैं और लोग उसे काफी अप्रिसिएट भी कर रहे हैं। लेकिन कभी आपको नहीं लगता कि कितनी ताज्जुब की बात है कि रितेश पांडे कभी किसी कंट्रोवर्सी में फंसे नजर नहीं आते। वो बड़े ही शांत, सुशील और बड़े ही काम डाउन तरीके से अपना काम करते हैं, लोगों को खुश रखते हैं और खुश रहना भी जानते हैं। लेकिन क्या ये यही सच्चाई है? चलिए, हम हैं तो फिर आपको क्या गम है, हम बताते हैं भाई हम किस लिए हैं। हम आपके सामने बातों को गोल गोल नहीं घुमाते, बल्कि बातों को एकदम सीधा और सटीक कहते हैं। तो बात सीधी और सटीक जब होती है तो भाई सिक्के का दूसरा पहलू भी देखा जाता है। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन रितेश पांडे के खिलाफ भी आवाजें उठने लगी हैं। अब बातें तो ये उठने लगी हैं कि रितेश पांडे एहसान फरामोश है, बल्कि ये हम नहीं बिहार के एक फिल्म प्रचारक सोनू सिंह का कहना है। सोनू सिंह का तो यहाँ तक कहना है कि जब भोजपुरी इंडस्ट्री में रितेश पांडे का कोई वजूद ही नहीं था, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, तब स्ट्रगल के दिनों में वो सोनू सिंह के पास काम के लिए, या यूं कह ले कि उन्हें काम दिलवाने के लिए चक्कर लगाया करते थे। लेकिन जैसे ही आज रितेश पांडे एक बड़े स्टार हो गए हैं, सोनू सिंह को तो वो पहचानते तक नहीं। सोनू सिंह का यहाँ तक कहना है कि रितेश पांडे गद्दार है, धोखेबाज है, काम निकल जाने के बाद भूल जाना तो उनकी फितरत में है, और ये शिकायत सिर्फ सोनू सिंह को ही नहीं बल्कि रितेश से जुड़े, यानी कि रितेश के स्ट्रगल के दौर में जुड़े हर एक उस व्यक्ति को है जो कभी रितेश पांडे का खास हुआ करता था, लेकिन जब रितेश पांडे को नाम, शोहरत, दौलत मिल गई तो वो सब कुछ, यानी उन लोगों को भूल गए जो कभी उनके स्ट्रगल के दिनों में उनके साथ हुआ करते थे। इन आरोपों की पुष्टि हम भी नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं ना, धुआं वही सबसे ज्यादा उड़ता है जहां राख होती है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।